अंजलि अरोड़ा आज के समय में एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इनके चाहने वाले लाखों की तादाद में हैं। इतना ही नहीं, इनकी लाइफ ऐशो आराम भरी है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके पास रहने के लिए 4 करोड़ का घर है और घूमने के लिए लग्जरी जैसी कार। लेकिन जब इंसान फेमस होता है तो उसको बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही फिलहाल अंजलि के साथ हो रहा था। दरअसल पिछले साल अंजलि का एक MMS वीडियो लीक हुआ था, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। लेकिन अंजलि ने उस वीडियो को मॉफ्ट और फेक बताया था। पिछले 1 साल से अंजलि उस वीडियो को लेकर काफी आलोचनाएं झेल रही है, जिसके चलते अब उन्हें MMS वीडियो लीक मामले में एक्शन लेना पड़ा। अंजलि ने इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और इस मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। अंजलि ने सोशल मीडिया पर इसे कंफर्म भी किया है। इसी के साथ उन्होंने लिखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अंजलि ने सिर्फ FIR ही नहीं दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम किया, उन सभी यूट्यूबर्स और पब्लिशिंग हाउस के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कराया है। वहीं टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए अंजलि ने कहा था कि ये सारी चीजें सच है, लेकिन वो मीडिया से गुहार लगाती है कि उनके PR टीम से वो लगातार कॉन्टेक्ट में रहे, वो अपनी सारी डिटेल्स साझा करेंगी। इसके बाद अंजलि की PR टीम ने बताया कि जो न्यूज चल रही है वो सच है। अंजलि ने FIR दर्ज करवा दी है और पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दिया है। बता दें कि अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। उनके इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन फॉलोअर्स भी है। अंजलि के रील्स वीडियो छाए रहते हैं। अंजलि कच्चा बादाम रील्स के बाद से सुर्खियों में आई थी और इसके बाद से ही वो सोशल मीडिया पर एक जाना माना चेहरा बन गई। इसके अलावा अंजलि ने कंगना रनौत के शो लॉकअप में भी हिस्सा लिया था। शो के दौरान भी वो काफी खबरों में रही थी। बता दें कि शो में मुनव्वर फारूकी संग उनकी बॉन्डिंग भी देखी गई थी। अंजलि काफी पॉपुलर स्टार है, जिन्होंने कुछ समय पहले ही एक लग्जरी घर भी खरीदा था। अंजलि ने सोशल मीडिया पर गृह प्रवेश की फोटोज भी शेयर किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजलि का ये घर 4 करोड़ का बताया जा रहा है। अंजलि ने अपने घर की इनसाइड झलक भी दिखाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।